हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जास क्रिएशन। बच्चों के हेयर बैंड एंड हेयर क्लिप्स एक साथ रखने पर आपस में फंस जाते हैं, जिससे कि उनके फ्लावर्स या फैंसी लुक देने के लिए जो भी एक्स्ट्रा लगाया हुआ होता है वो निकल जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं हेयर एसेसरीज ऑर्गेनाइज़र, जिससे आप इन सभी को आसानी से संभाल कर रख पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपनी पसंद का आराम से निकाल सकेंगे। ये ऑर्गेनाइज़र प्रिंसेस थीम पर बेस्ड है, इसलिए हमने इसका टॉप पोर्शन क्राउन शेप का रखा है। क्राउन शेप बनाने के लिए हम इसको लैपटॉप से कॉपी करेंगे। इसके लिए टेप से हमने बटर पेपर को लैपटॉप की स्क्रीन पर चिपका लिया है और इसको हल्के हाथ से ड्रॉ कर लें। अब पेपर को स्क्रीन से हटा लेंगे। देखिए, स्क्रीन का पूरा पैटर्न पेपर पर आ गया है। इस पैटर्न को कार्डबोर्ड पर ट्रेस करने के लिए हम पेपर को उल्टा करेंगे और पेंसिल से इसको पूरा डार्क कर लेंगे, जिससे कि वो हमारे कार्बन के जैसे काम करेगा। इस पेपर को कार्डबोर्ड पर टेप से चिपका लें, ताकि पैटर्न बनाते टाइम ये हिले नहीं और हमारा पैटर्न एकदम क्लियर बने। ये हमने टूथपिक ली है, जिसकी हेल्प से हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि सारा पैटर्न कार्डबोर्ड पर आ जाएगा। आप कोई पेंसिल या पेन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पूरा पैटर्न कार्डबोर्ड पे आ गया है। आप इसको पेंसिल से डार्क कर लें और उसको कट कर लें। ये पेपर टेप की हेल्प से हम टूथपिक चिपका रहे हैं, जिससे कि हमारे क्राउन की शेप लंबे टाइम तक ऐसे ही बनी रहेगी। ग्लू से ग्लिटर फॉर्म शीट चिपकाएंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा टॉप पोर्शन तैयार हो गया है। अब हम बॉटम पोर्शन बनाएंगे, जिसके लिए हमने बुकरम लिया है और कपड़ा लिया है। उसके मेजरमेंट्स इस तरीके से हैं। इस तरीके से इसके बॉटम पे हम सिल्वर रिबन को अटैच कर लेंगे। इसकी लंबाई आप अपनी मर्जी से कितनी भी रख सकते हैं। हमने इसमें 4 से 5 इंच की रखी है। इसको इस तरीके से अंदर दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लें। ये हमने 2 सिल्वर रिबन को सफ़ेद कपड़े पे सिलाई करके एक चौड़ा रिबन तैयार कर लिया है। इस तरीके से 2 से 3 इंच का गैप रखते हुए इसको पिन के साथ अटैच कर लें। फिर हम एक साथ सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम ध्यान रखें, आपको इसमें प्लास्टिक का धागा या पिको का धागा ही यूज़ करना है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ऊपर की साइड में रिबन को इस तरीके से मोड़कर लूप का शेप दें, जो कि हमारे टांगने के काम आएगा। हॉट ग्लू गन की हेल्प से टॉप पोर्शन चिपका लें और एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लें। इसी तरीके से बैक साइड में भी आप फेल्ट शीट चिपका लें। आप इसमें फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए पर्ल और स्टोन के स्टिकर्स चिपका लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो कि है पुराने कपड़ों को यूज़ कैसे करें, पुरानी टूटी फूटी ज्वेलरी से नई ज्वेलरी और स्टाइलिश ज्वेलरी कैसे बनाएं, पॉम-पॉम ज्वेलरी और टसल ज्वेलरी कैसे बनाएं, पुराने सामान से नया यूज़फुल सामान कैसे बनाएं, स्टाइलिश और नए पैटर्न के कपड़े कैसे बनाएं आसान तरीके से। अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह आपके बहुत काम का हो सकता है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फॉर नाउ।